गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग हेल्दी और सेहतमंद होंगे। वेलकम टू ज्योतिका जर्नी। ज्योतिका जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और धीरे धीरे स्नो पड़ रहा है, कितना प्रीटी लग रहा है, लेकिन बाहर आज बहुत कोल्ड वेदर है। परवल की सब्जी बनाने के लिए हमने आलू, लहसुन और ग्रीन चिली को पीस के रख दिया है साइड में, और हम अभी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए, इस सब्जी में राई ज़्यादा नहीं लेनी, जस्ट देखना है ऑयल हो गया कि नहीं, इसलिए दो चार दाने ऐड करने हैं। फिर उसमें जीरा ऐड करना है। अभी तेल हुआ नहीं है, ऑयल हो चुका है, और ये अदरक लहसुन के पेस्ट, और तुरंत बाद ही ये सब कुछ ऐड, और इसमें ज़्यादा पानी नहीं, सिर्फ मैंने धो के ले लिया है, दैट्स इट, एक दो चम्मच पानी पानी बहुत ज़्यादा नहीं, और इसमें नमक ऐड करके 10 मिनट तक ढक के रख लेंगे। धीमी आँच पे, एकदम लो आंच पे, अच्छे से ऊपर नीचे करके सारे मसाले हैं ना, हल्दी है, थोड़ा धनिया पाउडर है, और थोड़ा ही रेड चिल्ली पाउडर हम ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि हमने ग्रीन चिल्ली यूज़ किया था। तो सारे मसाले 5 मिनट देर हो उससे उस टाइम ही हम ऐड करेंगे। तो चलिए इसको ढक के रख देते हैं, और अभी 2:05 हुई है, 2:15 को फिर से आएंगे। 15 मिनट के बाद ऐसा थोड़ा पक्का हो जाएगा। इसकी सब्जी बनने में थोड़ी देर लगती है। फिर से इसको ऊपर नीचे करके हम ढक के, ये तो रह गया है, इसको ढक के रखते हैं। थोड़ी हल्दी ऐड कर दी, और थोड़ा रेड चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली ऐड किया हुआ है, और थोड़ा धनिया पाउडर ऐड करके अब इसको ऊपर नीचे करके लास्ट में हम थोड़ा आमचूर्ण पाउडर भी ऐड करेंगे, और फिर थोड़ी लास्ट में सब कुछ पक जाए, मसाले और सब कुछ, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, स्लाइस, ज़्यादा नहीं, आधी चम्मच से भी थोड़ी, क्योंकि आमचूर्ण पाउडर ऐड करेंगे, थोड़ी शुगर चाहिए उसको बैलेंस करने के लिए। तो चलिए इसको फिर से ढक के रख देते हैं। तो
परवल की सब्जी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है। तो इसको पकी है या नहीं देखने के लिए इसको भी इसमें से ऐसे कट करते हैं तो हो जाती है इजीली। देखिए ये एकदम बढ़िया सी सब्जी रेडी हो गई है। तो आ जाइए खाना खाने के लिए। परवल की सब्जी, राइस, पराठा और दही। आज मुझे चॉकलेट खाने का इतना मन हो रहा था, तब बेटे के पास ग्रोसरी कर रहा था तो ये सारी चॉकलेट मंगा ली और बेटा लेके भी आया है। इतनी खुशी होती है जब आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल जाती है। तो अभी इवनिंग के 6 o'clock हुए हैं और ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर, एक है हेजलनट क्रंच कुकी क्रम्बल और ये है 2 white chocolate। इसको तो मैंने ओपन भी कर ली। चलिए आ जाइए चॉकलेट खाने के लिए। तो ये है आज की हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। फ्रूट है, वेजिटेबल है और ये मिक्स कैरेट्स है और थोड़े बनाना है ऑर्गेनिक बनाना। फिर से स्नो गिरना शुरू हो गया है और देख सकते हैं आप रोड पे भी काफ़ी सारा स्नो जमा हो गया है। अभी इवनिंग के 6 बजे हैं। अभी नहा धो के रेडी हो गए, पूरा मुंह सूज गया है और इतना बॉडी वीक हो गया है क्या बताऊँ आपको। तो ये था आज का दिन और वो मैंने जो होम्योपैथिक की टेबलेट ली थी उससे 10% चेंज हुआ है, अच्छा रिजल्ट है। तो चलिए आज दूसरा डोज लेते हैं, पता है पूछ के डॉक्टर को और कल के दिन का अपडेट बताती हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक आप सभी लोग सही सलामत रहें, सेफ रहें और हेल्दी रहें। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।